सवाईमाधोपुर में शनिवार 7 सितंबर को रामकथा के मंच पर एक बेहद खास दृश्य देखने को मिला, जब राजनेता और राजस्थान के दिग्गज नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भक्तिमय माहौल पूरी तरह डूब गए। महाराज मुरलीधर की रामकथा के कार्यक्रम में पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा न केवल कथावाचक से आशीर्वाद लेने के लिए मंच पर पहुंचे, बल्कि राम भजन की धुन पर अपने समर्थकों के साथ करताल बजाते हुए थिरकते हुए भी नजर आए। एक राजनेता का ऐसा भक्ति भाव और सादगी से भरा अंदाज देखकर जनसमूह भी मंत्रमुग्ध हो गया। कार्यक्रम में उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ी बेबाकी से राजनीति और समाज में आई गिरावट अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा, आज के समय में जैसे नेता बदल गए वैसे ही जनता भी बदल गई है। उन्होंने अपने पड़ोसी निर्वाचन क्षेत्र गंगापुर सिटी का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां के विधायक ने आदिवासियों और मीणाओं को हिंदू न मानने का बयान दिया था, बावजूद इसके वो चुनाव जीतकर वापस आ गए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सवाल उठाया, इसमें गलती किसकी है, नेता की या जनता की? जनता की वजह से ही आज देश की ऐसी हालत है। जनता को हर नेता से जवाब मांगना चाहिए कि उन्होंने जनता के लिए क्या किया। जब समाज में थोड़ा सा नाम होने की वजह से किसी को नेता नहीं बनाए जनता, जनता अपनी भलाई खुद करेगी तभी देश का विकास होगा। कोई नेता देश की भलाई नहीं कर सकता क्योंकि वो सिर्फ 5 साल के लिए आता है, लेकिन जनता हमेशा रहती है, इसलिए जनता को कभी बदलना नहीं चाहिए। वहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने गंभीरता से कहा कि जब कोई व्यक्ति सनातन धर्म का अपमान कर भगवान राम और गणेश जैसे देवताओं को गाली देता है और फिर चुनाव जीत जाता है, तो राजनीति में गिरावट का ये सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि ये कोई राजनीतिक भाषण नहीं था, बल्कि उनके दिल की पीड़ा थी जिसे वो व्यक्त कर रहे थे। कथावाचक महाराज मुरलीधर ने भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि राजस्थान को आपके जैसे कर्मठ और निडर नेता की जरूरत, जो गलत होने पर अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने का साहस रखता। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे समय में जब लोग मंत्री पद पाने के कुछ भी कर गुजरते हैं, डॉक्टर किरोड़ी जैसे नेता आदर्शों और सिद्धांतों के लिए मंत्री पद को ठुकराने का साहस रखते हैं। ये कार्यक्रम न केवल एक धार्मिक आयोजन था, बल्कि राजस्थान की राजनीति में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की अद्वितीय छवि और उनके संघर्षशील व्यक्तित्व को एक बार फिर उजागर करने वाला अवसर भी बना।